हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर फार्मेसिस्ट सी एन गजबीए स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल सी एन गजबीए में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, देखा गया है दोस्तों इंडिया में मोस्टली स्टूडेंट जो है डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है? तो आइए वीडियो देखकर इस सवाल का जवाब जानते हैं, ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि दोस्तों डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, और जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों वह 5 ईयर का होता है, और उसमें 5 ईयर का टाइम लगता है, और फीस जो है दोस्तों काफ़ी हाई होती है, जिस वजह से जिन स्टूडेंट की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होती है, ठीक नहीं होती है, वह इस कोर्स को नहीं कर पाते हैं। और कई स्टूडेंट क्या होता है दोस्तों कि पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, तो वह नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं दोस्तों, जल्दी से जल्दी अपना हेल्थ केयर वाला सेटअप जमाना चाहते हैं, हेल्थ केयर वाला सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वह पैरामेडिकल कोर्सेज के माध्यम से अपना सेटअप जमा लेते हैं। पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं वो कम ड्यूरेशन के होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं दोस्तों जिसमें स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, जिसमें पैरामेडिकल कोर्सेज आते हैं। और अभी एक नया कोर्स निकला है दोस्तों, काफ़ी समय हो गया है, 3 ईयर इसका हो गया है, 2020 से यह कोर्स निकला है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय जो है वहाँ से डिप्लोमा कोर्स कराया जाता है, मेडिसिन से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड। तो 4 कोर्सेस हैं दोस्तों, इसमें बात करेंगे। तो आज के वीडियो में हम इसी कोर्स के बारे में बात करेंगे, अटल बिहारी डिप्लोमा जो कोर्स है, 1 ईयर के कोर्स होते हैं, उन्हीं विषय के बारे में बात करेंगे, उन्हीं सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, उन्हीं डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय जो है वो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है, जो मध्य प्रदेश भारत में स्थित है, और सारा जो कोर्सेज और एडमिशन लेने का जो प्रोसेस होता है वह होता है दोस्तों ऑनलाइन होता है। फीस भी इसकी दोस्तों ऑनलाइन आपको पेड करनी होती है, रजिस्ट्रेशन भी आपको ऑनलाइन ही करना होता है, एग्ज़ाम फॉर्म भी ऑनलाइन फिल होता है, और यहाँ तक के दोस्तों एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होता है। बट अभी ऐसा हो गया है कि कुछ नियम चेंजेस के कारण हो सकता है आपका सेंटर आपको इसकी जानकारी दे कि ऑफलाइन एग्ज़ाम देना है या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों 2020 की जो बात करें उसमें क्या था, उसमें कोरोना टाइम चल रहा था, तो उसमें क्या था, घर में बैठे बैठे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया गया था मोबाइल के माध्यम से, 3 घंटे का पेपर था, और जो प्रैक्टिकल फाइल थी दोस्तों उसको क्या किया था, लिख के उसको सेंटर में कुरियर कर दिया गया था, पोस्ट कर दिया गया था। 2020 की बात है दोस्तों ये। यदि दोस्तों आप अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय के 1 ईयर के जो शॉर्ट कोर्स होते हैं उनमें यदि आप एडमिशन लेते हो, तो आप अपना व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हो। 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं ये। इससे पहले कोर्स की बात करेंगे दोस्तों, प्राथमिक चिकित्सा उपचार डिप्लोमा कोर्स जो है उसकी बात करेंगे। ये 1 ईयर का कोर्स है दोस्तों, किसी भी एज में आप एडमिशन ले सकते हो, और किसी भी विषय से आप 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, एडमिशन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। इसकी फ़ीस जो होती है 25,000 होती है, 3 किस्तों में इसकी फ़ीस देना होता है, और एग्ज़ाम फॉर्म की फ़ीस अलग होती है। इस प्रकार आपको कुल मिला के ये मान के चलना दोस्तों कि 30,000 में यह कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, और आप इस कोर्स को करने के बाद अपने क्षेत्र में प्राथमिक उपचार कर सकते हो किसी डॉक्टर के अंडर में, ठीक है दोस्तों, किसी डॉक्टर के अंडर में कर सकते हो, या अपना खुद का प्राथमिक चिकित्सा उपचार केंद्र क्लिनिक खोल सकते हो, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण मतलब डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर, 1 ईयर का डिप्लोमा होता है, 25,000 इसकी फीस होती है। डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है, योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा डिप्लोमा होता है, डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी होता है। साथ ही साथ दोस्तों इलेक्ट्रो होम्योपैथिक डिप्लोमा भी होता है, DEMS जिसे कहा जाता है, वह कोर्स भी इसी यूनिवर्सिटी के द्वारा कराया जा रहा है। तो 1 ईयर के कोर्स है दोस्तों ये, तो आप इसमें इंटरेस्ट हो तो आप जा सकते हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्सेस होते हैं। प्लस दोस्तों यदि आप BHMS हो या फिर BAMS आपने कोर्स करे हो, तो आपके लिए ऑप्शन है PG डिप्लोमा जो होता है, PG आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण, ठीक है दोस्तों। PG डिप्लोमा इन बेसिक हेल्थ केयर जो कोर्स होता है दोस्तों, वह सिर्फ और सिर्फ BHMS और BAMS और BNYS जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए यह कोर्स होता है, वो इस कोर्स को कर सकते हैं। इसमें ऑल पद्धति के द्वारा ट्रीटमेंट करना सिखाया जाता है, ऑल पद्धति के द्वारा उपचार करना सिखाया जाता है इस कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप ऑल प्रकार के पैथी जो होते हैं उसमें कार्य कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है दोस्तों। अभी आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2023-24 में, तो इसके लिए आपको क्या करना है,
इसके लिए आपको एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर सर्च करना है, वहाँ पर जाना है और आपको फॉर्म फिल करना है जिसमें आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी, 12th की मार्कशीट लगेगी, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगी आपकी, प्लस दोस्तों ब्लड ग्रुप लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको किस प्रकार से फॉर्म भरना है, किस प्रकार से फॉर्म नहीं भरना है, आपको यदि फॉर्म भरना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पर जाके देख सकते हो किस प्रकार से फॉर्म, तो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया हूँ कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म करके भर के एडमिशन ले सकते हो। और ऊपर आइकन बटन दिख रही है, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। यदि दोस्तों आप प्रैक्टिशनर है या फिर आपको मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट है, रिलेटेड है, आप कर रहे हो, आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और यदि आपके पास MBBS, BHMS और BAMS कोर्स करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो जो भी हो दोस्तों, तो आप इन कोर्स को करके कार्य अपने क्षेत्र में कर सकते हो। तो ये कोर्सेज हैं दोस्तों, अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय जो है इनके कोर्सेज है, डिप्लोमा कोर्सेज है मेडिकल से रिलेटेड। तो आप इन कोर्स को करने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद, आप अपने क्षेत्र में मेडिसिन से, मेडिकल से रिलेटेड कोर्स करने के बाद आप उस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कार्य कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें दोस्तों कि आपको इसमें क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया। ठीक है दोस्तों, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।